लोकतंत्र के लिए संघर्ष। सन 2010 में लीबिया के पड़ोसी देश टूनीशिया में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो गया, जो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैल गया। ये क्रांतिकारी लहर अरब बसंत के नाम से लोकप्रिय हुई। अफ्रीका महाद्वीप में ये लोकतंत्र व राष्ट्रवाद की लहर थी। जनवरी सन 2011 में लीबिया के अलबायदा नामक शहर में हो रहे भ्रष्टाचार एवं आवास योजना के अंतर्गत मकानों को बनाए जाने में हो रही देरी पर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। बेंगाज़ी नामक शहर में जनता को आम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थीं। ये शहर हिंसात्मक प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। पुलिस ने इन्हें कुचलने का प्रयास किया। शहर के बहुत से लोग बेरोजगार थे। कई परिवारों की आय में अनिश्चितता थी। देश के विभिन्न भागों के लोग आपस में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन द्वारा बातचीत करने लगे, परेशानियां बांटने लगे, किंतु सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया ने इस तरह की सभी खबरों को प्रसारित करने से मना कर दिया। फरवरी सन 2011 तक ये विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक होने लगे। जनता बेंगाज़ी शहर की पुलिस के ख़िलाफ़ जुलूस निकालने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी बंदूकें चलाई। लोग अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर आक्रमण किया। विरोध को कुचलने के लिए कई स्थानों पर पुलिस और कई स्थानों पर सेना ने गोलियां चलाईं। इसके बावजूद विरोध की लहर अन्य शहरों और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार के गठन की मांग को लेकर संघर्ष तेज़ कर दिया। गद्दाफी ने हवाई जहाज़ों और सेना के माध्यम से संघर्ष को रोकने का प्रयास किया। इस तरह देश में गृह युद्ध छिड़ गया। नागरिक समूह अपने ही लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगे।